सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक के बारे में। और ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे मेरी नई मॉड्यूल से जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डेज। और इस मॉड्यूल की खास बात ये है कि इस मॉड्यूल के जरिए पूरी बायोकेमिस्ट्री मात्र 7 दिन में खत्म कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सारे IMP टॉपिक्स हैं, सारे फ्लो चार्ट दिए हुए हैं अपने मेटाबॉलिज्म के, और किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है इसके अंदर वो भी इंक्लूड है। तो यार मैंने तुम्हारे ना सारी मेहनत कर ली, मैंने तुम्हारे नोट्स बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, नोट्स मैंने प्रिंट भी करवा लिया है। बस तुम नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां पे जाके मॉड्यूल चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं और तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है तो ये मॉड्यूल ना तुम्हारे लिए लाइफ सेव कर सकते हैं तुम्हारी। सो अपन आज के मेन टॉपिक पे आते हैं कि सर ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, मेनली अपन इसको करते कहां पे। देखो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अगर मैं तुम्हें समझाऊं, आपको पता अपनी पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। तो सेल को अल्टीमेटली क्या चाहिए, सेल को अल्टीमेटली चाहिए होता है एनर्जी ताकि वो वर्क कर पाए। और ये एनर्जी कहां से आती है, अपन क्या करते हैं, मेनली सेल क्या करता है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है। वो क्या करता है, एक मॉलिक्यूल जो रहता है ना ग्लूकोज को, उसको ग्लाइकोलाइसिस करवाता है और अपना बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट। और इस पूरी प्रोसेस में अपन को सेल को जो है ना मिलता है ATP। तो पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो आपको समझ में आ गया होगा सर ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस का यहाँ पे मतलब होता है जब अपन एक मॉलिक्यूल जो रहता है ना ग्लूकोज को, जब अपन इसको कन्वर्ट करते हैं अपने पाइरूवेट में, तो जितने भी प्रोसेस है इस पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और इस ग्लाइकोलाइसिस में अपन को जो है ना ATP मिलता है, जिससे सेल को अपन को जो है ना एनर्जी मिलती है। फिर यही जो पाइरूवेट है ये आगे जाके अपना क्रैब साइकिल में जाता है, और क्रैब साइकिल में फर्दर इसको और जो है अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे बात होती है कि सर ये भेदभाव आप क्यों बोल रहे हो, आप एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आप 2 पाइरूविक एसिड कैसे बना सकते हो, ये भेदभाव क्यों है। तो बेटा ये कोई भेदभाव नहीं है, तू समझ मेरी जान पूरी बात। अब देख ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज अपना कितने कार्बन का है, ग्लूकोज अपना है 6 कार्बन का, ठीक है। और अपना पाइरूवेट कितने कार्बन का है, पाइरूवेट है अपने 3 कार्बन का। जब आप किसी 6 कार्बन को जब आप बीच में से तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है ना वो 2 इक्वल फ्रेगमेंट में टूटेगा ना, अपने 3-3 कार्बन के। इसलिए अपन ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से जो कि 6 कार्बन का होता है, जब अपन उसको तोड़ते हैं पूरा ग्लाइकोलाइसिस का करवाते हैं, तो अपन को 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं अपन को पाइरूवेट के। तो अब तुम्हें ना अच्छी तरीके समझ में आया होगा। और देखो ज्यादा से ज्यादा मैं ना चीजें फनी करके तुम्हें बोलूंगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना तुम्हें याद बहुत देर तक रहता है, अपन को फनी चीजें माइंड में बहुत से याद रहती है। तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेप है अपन को आज ये याद करना है, और ये पूरी 10 स्टेप की प्रोसेस है। और उसको तुम डायरेक्ट रटने बैठोगे ना, तुम आज पढ़ोगे कल बोल जाओगे। इसलिए पाजी मैंने तुम्हारे लिए ना बहुत ज्यादा फनी जिंगल बना दी है, और तुझसे मैं वो बताऊंगा ना तुझे मजा आएगा एकदम, मैं बता रहा हूँ इतनी ज्यादा। और ये जिंगल की खास बात क्या है, इतनी ज्यादा संस्कारी जिंगल मैंने तुम्हारे लिए बनाई है ना, तुम खुद बोलोगे सर ये तो एकदम ना गांधी परिवार की लग रही है। देखो अब इसको याद करने की जिंगल ये है, जो गुड गर्लफ्रेंड जो होती है, मैं देखो यहाँ पे जिंगल लिख रहा हूँ गुड गर्लफ्रेंड। अब क्या गुड गर्लफ्रेंड जो होती है ना, अब वो क्या करती है उसकी पूरी कहानी है। अब गुड गर्लफ्रेंड सबसे पहले क्या करती है, अपना फिल करती है ग्लास, ठीक है, डेली। वो डेली जो है ना अपना ग्लास फिल करती है। अब बात बोलोगे सर कैसे फिल करती है ग्लास, वो करती है फिल करती है ग्लास बाय, सबसे पहले बनाती है 3 पैक, फिर वो बनाती है 2 पैक, और सारे पैक पीने के बाद बंदी हो गई टल्ली, और फिर वो अपना खेलती है, फिर प्ले करती है क्या पिंग पोंग बॉल, फिर वो अपना खेलती है पिंग पोंग बॉल। तो तुमने देखा तेरी संस्कारी जिंगल है अपनी। कुछ बच्चे बोलेगा सर यार हमारे तो गर्लफ्रेंड नहीं, हम क्या करें। तो बेटा यार मैं भी तुम्हारी तरह सिंगल नहीं हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, जिनकी है उनका भी कटना है तो खुशी मनाओ। अब यहाँ पे तुम्हें जिंगल गाना शुरू का ये पहला वर्ड तुम्हें सबका लेना है, बस तुम सारी जिंगल का शुरू का पहला वर्ड ले लो, तुम्हें सब याद हो जाएगा। गुड से क्या है, यहाँ पे गुड के चीज क्या है, ग्लूकोज। सबसे पहले अपने ग्लूकोज को क्या करा, चेंज करा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब आप बोलोगे सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब क्या है, देखो मैं सारे मतलब एंजाइम एनर्जी जनरेशन सब समझाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट रखो। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज आपको पता है 6 कार्बन का होता है, जब उसके 6th कार्बन में अपने जब फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ गुड से हो गया ग्लूकोज, गर्ल से यहाँ हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रेंड से यहाँ पे हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब अपने ग्लूकोज से बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर अपन ने इसको बनाया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ फिल से अपना है फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, अपन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फिर बनाते हैं फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट में। फिर फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट जो है ये 2 पार्ट में टूट जाता है, एक अपना ग्लिसरल LDI 3 फॉस्फेट में, या फिर वो अपना टूटेगा DIHOOCH2 में, ये दोनों में से किसी एक में टूट सकता है। तो यहाँ पे ग्लास के चीज से अपना हो जाता है ग्लिसरल LDI 3 फॉस्फेट, डी से यहाँ पे हो जाता है DIHOOCH2 फॉस्फेट। अब तुम यहाँ पे याद रखना ये जो फ्रक्टोज जो है ये अपना होता है 6 कार्बन का,
और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये डायहाइड्रोक्सीएसीटोन, ये अपने होते हैं तीन कार्बन का। मतलब जब इस स्टेप में एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज से अपन को मिलते हैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो यहां से अपन सारी चीजें दो दो मॉलिक्यूल के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। अभी याद रखना इन दोनों में से किसी एक में टूट जाता है, लेकिन मेनली अपन को जरूरत होती है इसकी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है उसको फिर अपन तोड़ते हैं 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसराइड में। यहाँ पे डेली के बाद जो बाय आता है ना बेटा, वो बी फॉर बाय से तुम्हें लगाना है बी बेस फॉस्फोग्लिसराइड में, ठीक है। फिर बेस फॉस्फोग्लिसराइड अपना चेंज होता है 3-फॉस्फोग्लिसराइड में, 3-फॉस्फोग्लिसराइड में। लड़की ने पिया ना अभी तीन पैक से अपना मतलब है 3 PG से मतलब है 3-फॉस्फोग्लिसराइड। फिर वो अपना चेंज होता है 2 पैक में मतलब 2-फॉस्फोग्लिसराइड में। अंत में वो खेलती है पिंग पोंग के पी से अपना यहाँ पे आता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और अल्टीमेटली वो अपना बन जाता है पाइरुवेट में, दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट में। तो पूरे जिंगल के जरिए तुम्हें पूरा ये जो है ना ग्लाइकोलाइसिस याद हो गया होगा। और देखो अगर तुम्हें याद नहीं होना, तुम्हें 1 से 2 बार का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ यहाँ पे याद हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना ग्लाइकोलाइसिस होता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा जरूरी बात भी होती है कि सर मेनली अपन ग्लाइकोलाइसिस क्यों करते थे, एनर्जी के लिए। तो मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि देखो बेटा कौन कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम लग रहा है और कौन सा एनर्जी जनरेशन हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको समझने के लिए ना, तुम्हें याद करवाने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा और फनी वे में बोलता हूँ। तो क्या होता है ना, जब हम पैक बनाते हैं ना तभी एनर्जी लगती है। तुम खुद देखो ना, अपन देखो ग्लास लेंगे, उसके अंदर सोडा डालेंगे, फिर अपन उसके अंदर दारू डालेंगे, फिर अपन आइस क्यूब डालेंगे। तो पूरा पैक बनाया तुम, क्या मेहनत लगी ना। अब यार कितने लोग बोल रहे होंगे सर यार प्यासी लग गई आपकी बातों से, तो बेटा थोड़ा सबर रहो, अब कुछ होगा नहीं। लेकिन तो अपने पैक बनाया तो तुम्हें मेहनत लगी। मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये है, देखो समझो तुम बात, जैसे जब गुड गर्लफ्रेंड जो है जैसे पैक बना रही है अपना, ठीक है, फिल कर रही है ग्लास में, तो यहां तक जो है अपना एनर्जी लगती है, ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी लगती है। अब कैसे लगती है, अब तुम खुद देखो, ग्लूकोज में जब हम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, अपन को यहाँ पे 1 ATP अपनी यहाँ पे कंज्यूम होती है, 1 ATP हम लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है ग्लूकोज में अपन ने 1 फॉस्फेट जोड़ा, अब फॉस्फेट हवा में तो है नहीं, तुमने पकड़ा यूं ग्लूकोज में लगा दिया पट्टे से, ऐसा तो है नहीं। एटीपी कहां से आएगा, फॉस्फेट कहां से आ गया, वो अपना आता है एटीपी से। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3-फॉस्फेट है। तो उसमें से 1 फॉस्फेट अपन ने चुराया और 1 अपन ने ग्लूकोज में लगा दिया, तो ये बन गया GDP। कि किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये अपना एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो शुरू में अपन ना 1 ATP लगा, फिर ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना है तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो आइसोमर से एंजाइम अपन ने लगा दिया। फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से जब फिर से ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट लगाया, अपन को फिर से 1 फॉस्फेट बढ़ाना है। यहाँ ग्लूकोज के 6 कार्बन में तो फॉस्फेट है, अपन को इसके पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट लगाना है। तो फिर से अपन को क्या, एक फॉस्फेट चाहिए, फॉस्फेट कहां से आएगा, ATP से आएगा, एनर्जी लगाने से आएगा। तो फिर से यहाँ पे 1 ATP इस्तेमाल होगी। मतलब जब तक, याद तुम ऐसे कर लो कि जब तक लड़की जो है ग्लास पैक बनाएगी अपनी गर्लफ्रेंड, जब तक उसमें एनर्जी लगेगी, तो शुरू की 2 स्टेप में एनर्जी लगती है, उसके बाद पैक पीने में कौन सी एनर्जी लगती है यार, फिर तो एनर्जी निकलती है अपने, है ना। क्यों धोखा दे गई मुझे, क्यों हो गया मेरा ब्रेकअप, तो अपना क्या एनर्जी निकलती है। तो मैं जिस वे में बोल रहा हूँ ना, उस वे में तुम्हें क्या होगा ना, सारी चीजें याद रह जाएंगी। पढ़ाने की टेक्निक होती है यार, मैं बहुत ज्यादा मतलब घंटों स्क्रिप्ट बनाता हूँ कि तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊं और एंटरटेन करके। कहने का आपसे तात्पर्य यह था कि ये वाली जितनी भी रिएक्शन है, जैसे ग्लास अपना भर जाता है, पैक बन जाते हैं, तो वहां पे फिर एनर्जी निकलती है, पैक पीने के बाद एनर्जी निकलती है। मतलब जैसे अपना ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट जो है, जैसे अपना 1,3-बाई-बेस-फॉस्फोग्लिसराइड में चेंज होता है, तो यहाँ पे जो है अपनी एक एनर्जी बनती है। क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ पे अपना बनता है NADH बनता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे NADH बनता है, तो किसकी प्रेजेंस में ये हो रहा है, तो ये याद रखना जैसा नाम है वैसा ही काम है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट लिखना, फिर इसमें लगा देना डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो ये एंजाइम तुम्हें अब याद हो जाएगा। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं अपने ग्लिसरॉल्डिहाइड के, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे अपने NADH के, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अपने बनेंगे NADH के। फिर उससे पहले मैं तुम्हें बताऊं, फ्रक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट जो होता है ना, याद रखना वो अल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपने 2 फ्रेगमेंट में टूटता था। फिर यहाँ पे अपन नीचे की तरफ आ जाते हैं, जब अपना 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसराइड जब अपना 3-फॉस्फोग्लिसराइड में चेंज होता है, तो इस स्टेप में भी अपनी 1 ATP जो है बनती है। तो इस स्टेप में अपनी ATP बनती है, मैंने तुम्हें बताया ना, तुम ऐसे याद कर लो कि जैसे तुम पैक पीते जाओगे एनर्जी निकलती जाएगी। तो पहले यहाँ पे एक अपनी एनर्जी बनी, फिर यहाँ पे अपनी एनर्जी बनी, और एक किस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, ये अपना फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, याद रखना। फिर उसके नीचे वाली रिएक्शन, जब 3-फॉस्फोग्लिसराइड को जब 2-फॉस्फोग्लिसराइड अपन बनाते हैं,
तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये अपने होता है फोसोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। तो ये एंजाइम ना तुम्हें डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, बड़ा ही ईजी है। पहले वाला डिहाइड्रोजनेस था, फिर काइनेज है, फिर म्यूटेज है, फिर अपने जब फोसफोग्लिसरेट को जब अपन चेंज करते हैं फोस्फोइनोल पाइरुवेट में, तो यहां पे कोई एनर्जी नहीं निकलती। लेकिन जब अपन फोस्फोइनोल पाइरुवेट को जैसे अपन पाइरुवेट में चेंज करते हैं किसके प्रेजेंस में, पाइरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में, तो यहां पे भी अपन को जो है ना एटीपी मिलती है। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको ये बताया कि यहां पे तीन स्टेप में अपन को एनर्जी मिलती है। पहले अपने क्या मिलेगा, एनएडीएच मिलेगा, कितने मॉलिक्यूल थे, दो मॉलिक्यूल थे, तो दो मॉलिक्यूल अब एनएडीएच मिलेगा। फिर उसकी नीचे वाली स्टेप में फिर से अपन को एटीपी मिलेंगे, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी अपने दो मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलेंगे। फिर अपनी ये वाली स्टेप जब फोस्फोइनोल पाइरुवेट है, इस स्टेप में भी अपन को एनर्जी मिलती है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी अपने दो मॉलिक्यूल है इसके फोस्फोइनोल पाइरुवेट के, तो कितने मॉलिक्यूल अपन को पाइरुवेट के मिलते हैं, दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के मिलते हैं, और यहाँ पे अपन को दो मॉलिक्यूल एटीपी बनती है। तो तीन स्टेप में अपनी एटीपी बनती है, और शुरू की दो स्टेप में उनको एटीपी लगानी पड़ती है। याद रखने को मैंने बोला था, ऐसे याद करोगे जब अपन पैक बनाते हैं तब उनको एटीपी लगती है। तो सारी चीजें यार मैंने तुम्हें याद करवा दी अभी तक। तो एक बार ना मैं तुम्हें इसका पूरा एनर्जी जनरेशन समझाता हूँ, क्योंकि मेन देखो अपनी बात जो है एनर्जी जनरेशन पे ही है। अब तुमने ध्यान से इस चीज को समझना, अल्टीमेटली अपने सेल को चाहिए रहता है एटीपी। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो बना एनएडीएच जो बना था, याद रखना अपन एनएडीएच को भी अपन चेंज करते हैं एटीपी में। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी डायरेक्ट, अपन एक मॉलिक्यूल जो एनएडीएच रहता है ना वो कितने एटीपी देता है, वो 2.5 यहाँ पे एटीपी देता है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल थे, दो मॉलिक्यूल, 2 × 2.5 कितना हो गया, 5 एटीपी। तो पहली स्टेप में अपन को मिली 5 एटीपी, फिर दूसरी वाली स्टेप में अपन को मिलती थी 2 एटीपी। यहाँ पे मैंने बगल में लिख रखा है जब अपना फोस्फोग्लिसरेट काइनेज इस्तेमाल होता था, और जब पाइरुवेट काइनेज होता था उसमें भी अपन को 2 एटीपी मिलती थी। तो टोटल अपन को यहाँ पे कितनी एटीपी हो गई, ये सारी अपनी हो गई 9 एटीपी। तो 9 एटीपी अपन को यहाँ पे मिली। फिर लेकिन बात यह है कि अपन को क्या करना है, अपन को मेनली निकालना है नेट गेन, कितनी एनर्जी मिली। तो दो एनर्जी अपन ने इस्तेमाल कर ली थी, कब, पैक बनाते हुए जब अपन बनाते थे ना, मैंने आपको बताया था जब अपन हेक्सोकाइनेज एंड फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम का इस्तेमाल अपन करते थे, फोस्फोरस लगाते थे, तब दो एटीपी यूज होती थी। तो अपन क्या करेंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो टोटल नेट गेन अपना जाता है। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अपनी 7 एटीपी प्रोड्यूस होती है। देन देखो कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, फिर ये जो दो मॉलिक्यूल जो होते हैं ना पाइरुवेट के, ये आगे जाके अपने क्रैब्स साइकिल में जाते हैं, और फर्दर क्रैब्स साइकिल में अपन को और एटीपी मिलती है। देन देखो मैं ना टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ाना पसंद करता हूँ, तो मैं तुम्हें थोड़ी और चीजें बताता हूँ कि किस तरीके से तुम ना रेगुलेशन अपन कर सकते हो अपना। अब जो अपना ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना उसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में जब लॉन्ग में आएगा तब भी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एमसीक्यू भी बनते हैं। तो याद रखना डायरेक्टली ये तीन एंजाइम जो होते हैं ना वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, हेक्सोकाइनेज जो कि सबसे पहली स्टेप में यूज हो रहा था, देन अपना फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो कि इसकी यहाँ पे यूज हो रहा था थर्ड स्टेज में, और अपना लास्ट वाला पाइरुवेट काइनेज। ये तीन एंजाइम जो होते हैं ना ये पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सर हेक्सोकाइनेज कैसे ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करता है। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे रिएक्शन से समझाता हूँ जूम करके, ठीक है। अब देखो हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ग्लूकोज को क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब जाहिर सी बात है ना, जब अपनी बॉडी में मान लो अपने ग्लाइकोलाइसिस करवा ली, इनफ ग्लाइकोलाइसिस करवा ली, अपने पास बहुत सारी एटीपी है, तो अपनी सेल के अंदर बहुत ज्यादा एटीपी है, मतलब लाइफ अपनी ना बिल्कुल बिंदास चल रही है। साहिल खान को सब लोग जानते होंगे, साहिल खान की कैसी लाइफ है, एकदम बिंदास लाइफ है, बहुत ज्यादा पच्चा है, मालदीव में रह रहा है, पैसा ही पैसा है भैया, सब है आज उसके पास, साहिल खान के पास सब जिंदगी एकदम मजे में, तो क्या है आज वो कुछ नहीं करता। सिमिलरली जब बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में एटीपी हो जाती है तो बॉडी फिर बार बार ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करती ग्लाइकोलाइसिस में, वो क्या करती है, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है जब जरूरत से ज्यादा बन जाता है अपनी बॉडी में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही अपनी हेक्सोकाइनेज को इनिबेट करता है, उसके पास जाके बोलता है मेरे भाई बस कर बहुत बना ले तूने, उसको जाके इनिबेट कर देता है। और इस इनिबेशन का अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फीडबैक इनिबेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन किसी रिएक्शन को बंद कर रहे हैं, तो ये होता है अपना नेगेटिव फीडबैक इनिबेशन। तो अपना हेक्सोकाइनेज कुछ इस तरीके से जो है अपनी पूरी रिएक्शन को रेगुलेट करता है, हेक्सोकाइनेज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये भी फीडबैक इनिबिशन से काम करता है। देन अपना आ जाता है पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज कैसे काम करता है तुम ये देखो, अब ये अपना क्या है, ये पाइरुवेट काइनेज है। पाइरुवेट काइनेज क्या कर रहा था, फॉस्फोनल पाइरुवेट को चेंज कर रहा था पाइरुवेट में। जब अपनी बॉडी के अंदर इनफ एटीपी होती है
तो यही एटीपी पाइरूवेट काइनेज में जाके इनहिबिट कर देती है कि मेरे भाई बहुत ज्यादा तूने बना लिया, अब जाके रुक जा, थम जा, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर, पानी वानी पी, जूस पीवानू, मजे नू, लाइफ करानू। सेम तो पाइरूवेट काइनेज का पूरी रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो ये तीन एंजाइम तुम अच्छे से याद रख लेना, हेक्सोकाइनेज, फोसोफ्रक्टोकाइनेज और पाइरूवेट काइनेज, ये अपना इनहिबिशन करवाने का काम करती है, अपने रेगुलेट करवाने का काम करती है ग्लाइकोलाइसिस को। फिर किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको उसको लिख के आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो और मेरे ना नोट्स शॉर्ट नोट्स हैं, बट मैं तुम्हें बताता हूँ किस हेडिंग में लिखना है। तो सबसे पहले तुम लिखना डेफिनेशन की, देखो होता क्या है ग्लाइकोलाइसिस, मैंने आपको बताया सेल के अंदर होता है, एनर्जी जनरेशन होता है, एक मॉलिक्यूलर ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूलर पाइरूवेट बनाते हैं। फिर आपको सारी स्टेप लिखनी पड़ेगी, और देखो स्टेप्स को ना मैंने टोटल में आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे जो स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है। ठीक है, सबसे पहला अपना होता है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, सबसे पहली स्टेज है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज जो कि पहली स्टेप है। फिर अपना होता है स्प्लिटिंग फेज, फिर अपना होता है एनर्जी जनरेटिंग फेज। इसको अगर मैं तुम्हें समझाऊं, देखो मुझे ना तुम्हें क्लियरली यहाँ पे समझाना पड़ेगा। ये देखो अब एनर्जी पहली स्टेप कौन सी थी, वो थी एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, मतलब अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ता था, एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता था। फिर ये वाली स्टेप में वो स्प्लिट होता था, ये हो गई स्प्लिटिंग फेज। ठीक है, फिर स्प्लिटिंग फेज के बाद यहां से लेकर यहां तक पूरी अपनी एनर्जी बनती है, इसको बोलते हैं एनर्जी जनरेशन वाली स्टेप। तो तुम क्या करना यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तुम्हें नहीं डालना कि देखो ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनता है, किसके प्रेजेंस में बनता है, क्या बनता है। तो देखो लिखने का यही तरीका है, रटो मत कोई भी चीज, तुम फ्लो चार्ट बना दो, जो फ्लो चार्ट में तुम कर रहे हो ना वही पॉइंट वाइज लिख दो। मेन होती है हेडिंग्स, तो हेडिंग मैंने तुम्हें बता दी, तो स्टेप को तुम्हें इन तीन हेडिंग में लिखना है। फिर इसका रेगुलेशन लिख देना कि कौन कौन से एंजाइम रेगुलेशन करवाते हैं, और अल्टीमेटली इसका एक एनर्जी जनरेशन और नेट एटीपी सिंथेसिस तुम लिख देना। और जो फ्लो चार्ट होता है ना वो अच्छा सा बड़ा वाला पूरा एक पेज में क्लियर बनाना, तो तुम्हें बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में मार्क्स मिल जाएंगे। सो वीडियो से हेल्प हुई होना, वीडियो को लाइक करना, और देखो मैं तुम्हारे लिए ना ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो सारी चीजों का अपडेट ना मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे देता रहता हूँ, लिंक में तुम्हें आई बटन पे दे दूंगा, तुम वो जाके ज्वाइन कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो उससे होगा क्या, जैसे ही मैं ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए लाऊंगा आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।